आपका पूरा नाम? शेख अहमद। आपकी आज शादी हो चुकी है? अच्छा अच्छा, शादी हुई ना तो घूमने के वास्ते आए। कहाँ पर आया घूमने के लिए? हरसूल। क्यों यहाँ पर क्यों घूमने के लिए आया? स्पॉट अच्छा है, नज़ारा है, उसके वास्ते है, मौसम भी अच्छा है। यानी आप, आपकी शादी है? शादी एंजॉय करने के वास्ते। एंजॉय करने के वास्ते आए? यानी आप पहले ही एंजॉय करने के वास्ते है, मौसम का नज़ारा लेने? मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरसूल तालाब। यह डैम जो बना था 1954 में बना था, आज आप देख सकते हैं यहाँ पर लबालब पानी भर चुका है। यह खुशी की बात है कि हरसूल तालाब फिलहाल 100% भर चुका है और ओवरफुल होकर तालाब का पानी खाम नदी में बह रहा है। लगभग 14 सालों बाद यह तालाब लबालब भरा हुआ है, इसलिए फिलहाल ये पिकनिक स्पॉट भी बना हुआ है। लोगों की भीड़ तालाब पर उमड़ रही है, मगर हैरत और अफसोस की बात यह है कि पहले औरंगाबाद बल्दिया और अब मौजूदा महानगर पालिका ने हरसूल तालाब पर कभी संजीदगी से तवज्जो नहीं दी, तालाब की हिफाजत की कोशिशें नहीं की गई। इसका नतीजा है कि 300 एकड़ पर यह बनाया गया तालाब अब सुकड़कर छोटा सा रह गया। एक वक्त तक औरंगाबाद शहर में इस तालाब से वाटर सप्लाई होता था। जायकवाड़ी डैम बनने के बाद भी कदीम शहर को इस तालाब से पानी दिया जा रहा था। 2006 तक हरसूल तालाब की हालत गनीमत थी, मगर बाद में पानी जमा होना कम हो गया। पिछले कई सालों से हरसूल तालाब से वाटर सप्लाई बंद है। कम से कम इन सालों में हरसूल तालाब की खुदाई करके गहराई बढ़ाई जाती तो आज तालाब में इतना पानी तो महफूज रहता जिससे 6 महीनों तक पुराने शहर को पाबंदी से पानी मिलता। ये आप देख रहे हैं, लाखों MLD पानी यहाँ से खाम नदी की तरफ चले जा रहा है। ये इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये काम हो रहा। अगर कोई ठोस कदम उठाते थे तो आज ये नौबत नहीं आती थी। ये पानी जितने भी आसपास के जो कॉलोनीज है उन्हें बराबर मिलता था, लेकिन आज ये पानी बहता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब्दुल वाहिद फारूकी, वाहिद कलाम, औरंगाबाद।